हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मिस्टर स्मार्ट टेक्निकल। अगर आप पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप यूज़ करते हो पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर अगर आप पेटीएम पोस्टपेड यूज़ करते हो, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि दो वीक पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने इस चार्ज के बारे में आपको बता दिया था कि पेटीएम ने एक नया चार्ज यहाँ पर ऐड किया गया है। अगर आप पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट करते हो तो ये वाला चार्ज आपको देना पड़ेगा। बाद में इस चार्ज को फ्री कर दिया, बट अब इस चार्ज को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। तो अगर आप पेटीएम यूज़ करते हो या फिर आप पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप यूज करते हो तो इस चार्ज के बारे में आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपका यहां पे नुकसान हो जाएगा। तो वीडियो को मिस मत करना, एंड तक देखना, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट इस चार्ज के बारे में देख लेते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में आपको इस चार्ज के बारे में बताऊंगा, साथ ही मैं इस चार्ज से कैसे बच सकते हैं वो तरीका भी आपको मैं बताऊंगा ताकि आप इस चार्ज से भी बच सको। तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। दो वीक पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, साइड में आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, जिसमें मैंने पेटीएम पोस्टपेड के इस चार्ज के बारे में आपको बताया था। एंड इस पर 4000 के समथिंग व्यू हैं। एंड अभी मैं आपको इसके ऊपर दिखाऊं, जो थंबनेल में मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है जिसमें लिखा है, डियर पेटीएम मर्चेंट, इफेक्टिव 1 फरवरी, ए स्टैंडर्ड फी ऑफ 1.5% विल बी चार्ज फॉर ऑल पोस्टपेड ट्रांजेक्शन ऑन योर QR। अगर आप पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप यूज़ करते हो एंड पेमेंट एक्सेप्ट करते हो और पेटीएम पोस्टपेड से कोई पेमेंट कर देता है, तो सामने वाले बंदे को पूरे पैसे पे करने होंगे। आपको 1.5% का यहाँ पे जो पेमेंट है वो कट होके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये चार्ज ऐड कर दिया गया था। तो अभी मैं आपको पेटीएम फॉर बिजनेस में जो चार्जेज वाला ऑप्शन है उसको ओपन करके दिखाऊं, तो आप देख सकते हो पेटीएम पोस्टपेड से जो भी पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं उसका यहाँ पे फ्री कर रखा है। मतलब अब तक आप पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, पहले चार्ज स्टार्ट किया था बाद में इन्होंने फ्री कर दिया। बट अभी आज ही के दिन मेरे पास एक SMS आया जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर आप देख सकते हो जो 1 फरवरी से लागू हुआ उसका मैसेज आया था 31 जनवरी को, जो कि ऊपर वाला मैसेज आप देख सकते हो। एंड उसी के बाद आज के दिन एक मेरे पास SMS आया जिसमें लिखा है, डियर पेटीएम मर्चेंट, इफेक्टिव 22 फरवरी, ए स्टैंडर्ड फी ओ 1.99%। मतलब समथिंग 2% चार्ज हमें देना पड़ेगा अगर हम अपने QR कोड पे पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हो 1.5% से 2% यहाँ पे चार्ज कर दिया गया है। तो अगर आप एक मर्चेंट हो या फिर अपने शॉप वगैरह पे पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, तो अब आपको ये वाला चार्ज देना पड़ेगा। जैसे सामने वाले से आपने 200 रुपये पेमेंट एक्सेप्ट किया, उसके 200 डेबिट होंगे, बट आपको यहाँ पे 1.99% के हिसाब से मतलब 4 रुपये कम प्राप्त होंगे। तो ये चार्ज 22 फरवरी 2023 से स्टार्ट होने वाला है। तो अब तक आपको ये तो समझ में आ गया कि ये वाला चार्जेज है, इतना मेरे को चार्जेज लगने वाला है अगर मैं पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट एक्सेप्ट करता हूँ। तो अब इस चार्ज से कैसे बच सकते हैं? तो बचने का तरीका ये है कि आप पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप में जाइए, यहाँ पर जाओगे तो आप सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कौन कौन से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, कहाँ कहाँ से कर सकते हो, फ्री है या नहीं है। उस वाले पेज पर अगर आप जाओगे, साइड में आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 22 तारीख के बाद आप चेक कर लेना, यहाँ पर अगर आपको 1.99% चार्ज शो करे तब आप इसे ऑफ कर देना, अगर फ्री शो करे तो पड़ा रहने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई कस्टमर पेमेंट करेगा तो अगर फ्री है तो वो पेमेंट आसानी से कर पाएगा। तो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरे को लगा कि ये वाला अपडेट आपके साथ जरूर से शेयर करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट यूजर पेटीएम पोस्टपेड यूज़ करते हैं, पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप को यूज़ करते हैं, तो खामखा किसी को नुकसान हो जाएगा। तो इस अपडेट के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। तो अगर आपकी नज़र में कोई दोस्त है जो पेटीएम फॉर बिजनेस या फिर पेटीएम पोस्टपेड यूज़ करता है, तो इस वीडियो को जल्दी से उसके साथ ज़रूर से शेयर कर दो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, साथ में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।